आज हम एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 10th के चैप्टर 5 के नोट्स कवर करेंगे जो आपके बोर्ड्स या किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। पहले इस वीडियो को सेव कर लेना ताकि भूलो नहीं। एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 10th के चैप्टर 5 का नेम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। अब ये खनिज होता क्या है? तो खनिज वे निर्जीव पदार्थ हैं जो हमें हमारी नेचर से प्राप्त होता है, जैसे कोयला, लोहा इटीसी। पॉइंट 2 लिग्नाइट। लिग्नाइट निम्न कोटि का भूरा मुलायम कोयला होता है। पॉइंट 3 बायोगैस। बायोगैस एक ऊर्जा है जो घास फूस, कृषि, कचरा, जानवर तथा मानव अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होती है। पॉइंट 4 धात्विक खनिज। वे खनिज जिनमें धातु का अंश अधिक होता है धात्विक खनिज कहलाते हैं, से लोहा, अयस्क तथा बॉक्साइट। अधात्विक खनिज। वे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं होता वे अधात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे चूना, पत्थर, पोटाश आदि। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस चैप्टर को हम हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 5 पर डिटेल में कवर करेंगे। एंड ये जो हम नोट्स कवर कर रहे हैं ये आपके बोर्ड या बाकी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडी 5 में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।